प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रताप नारायण सिंह जनता इंटर कॉलेज बरही सोनबरसा परिसर में स्वर्गीय बाबू प्रताप नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने उनके कृत्य एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रताप नारायण सिंह द्वारा इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाना दुरूह कार्य था, जहां पूर्व में कोई तटबंध नहीं था। बाढ़ की विभीषिका से यह क्षेत्र जंग लड़ता था। उस कालखंड में भी इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने के लिए स्वर्गीय सिंह ने विद्यालय की स्थापना कर एक पुण्य कार्य किया। उन्होंने कहा कि किसी को ज्ञानवान बनाना सबसे पुनित कार्य होता है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधक की मांग पर विद्यालय में सभागार बनवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा है कि जिसने हमारे प्रति कुछ योगदान किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया जाए, और आज विद्यालय प्रबंधक ने प्रतिमा का अनावरण कराकर एक सराहनीय कार्य किया है तथा विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, प्रबंधन और शिक्षा के प्रति अभिरुचि कायम किया है। इस क्षेत्र में शैक्षणिक पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने का कार्य विद्यालय प्रबंधक कर रहा है तथा उत्तम वातावरण देने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवहारिक धरातल पर समाज एवं राष्ट्र के लिए दिखना चाहिए। जीवन पलायन के लिए नहीं बल्कि चुनौतियों से जूझने के लिए होता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन होना चाहिए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि पाठ्यक्रम का समयबद्ध ढंग से अध्ययन करना तथा व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समाचार पत्रों को अवश्य पढ़ें तथा उनमें से महत्वपूर्ण चीजों को अपने नोटबुक में नोट करें। इस प्रकार उनके पास एक ज्ञान कोष तैयार हो जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षा के सफलता में काम आएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भारत हो जिसमें कहीं अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, गंदगी आदि ना हो। सभी के सुरक्षा की गारंटी तथा विकास को गति मिले इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सभी का दायित्व एवं राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, क्योंकि शासकीय योजनाएं जनहित में संचालित की जाती है। माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय, यानी हम सनातन धर्मावलंबी इसलिए है, कर्तव्य किया है, कोई योगदान किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, और कृतज्ञता ज्ञापित करने का अपने संस्थापक के प्रति उनकी स्मृतियों को चिरस्मरणीय हम बना सकें, इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। मैं इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति के शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी को, प्रबंधक श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह जी को और प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से